वेलकम टू AKS ऑनलाइन स्टडी। हम लोग परीक्षा बंधन की बुक कवर कर रहे हैं। अब इसका चैप्टर 12 कवर होगा। चैप्टर 12, इससे पहले हम सारे वीडियो मैंने डाल दिए हैं। थोड़ा सा वॉइस की का इशू था, इसीलिए मैं वेट कर रहा था कि एक नया माइक्रोफोन आ जाए तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँ। अब आप कमेंट करके बताइएगा वॉइस में कुछ सुधार हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को अगर वीडियो अच्छा लगे तो। देखिए, चैप्टर 12 क्या है? चैप्टर 12 है इंटरनेट। इसके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं होगी क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें आपको पता है, लेकिन किताब को हम लोग पूरा पढ़ेंगे क्या है कैसे है। तो इंटरनेट चैप्टर हो गया और इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा वो इंटरनेट क्या है, व्हाट इज इंटरनेट। ठीक है, तो इंटरनेट यानी कि इंटरनेशनल नेटवर्किंग का संक्षिप्ताक्षर है। यानी कि इंटरनेशनल नेटवर्किंग को छोटा छोटे वर्ड में अगर शॉर्टकट में कहा जाए तो इंटरनेट ही बनाया गया। ठीक है, उसका संक्षिप्त अक्षर है ये। यह दुनिया भर में फैले हुए अनेक छोटे बड़े कंप्यूटर नेटवर्कों के विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा आपस में जुड़ने से बना विशाल व विश्वव्यापी यानी कि ग्लोबल नेटवर्क है। क्या है ये इंटरनेट? छोटे छोटे जो भी हमारे दुनिया भर में जो भी छोटे छोटे हमारे कंप्यूटर नेटवर्क हैं उनको एक साथ मिला के बना दिया गया क्या, एक ग्लोबल नेटवर्क, उसको हम कहेंगे इंटरनेट। ठीक है, जो समान नियमों का अनुपालन कर एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं तथा सूचनाओं का आदान प्रदान संभव बनाते हैं। समान प्रोटोकॉल्स मीन्स कि अब अगर हम किसी चीज़ को मर्ज करना चाहते हैं, किन्हीं छोटे छोटे कंप्यूटर्स नेटवर्क को अगर आपस में मर्ज करना चाहते हैं तो सीधी सी बात है कि एक रूल बनाना होगा और जब सारे उसी रूल को फॉलो करेंगे तभी हम आपस में एक ग्लोबल नेटवर्क बना पाएंगे। तो जो रूल हम बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्रोटोकॉल्स। अगर आपसे प्रोटोकॉल्स कोई पूछे तो आपको पता है सेट ऑफ रूल्स, कुछ रूल्स के सेट होते हैं। तो वही रूल्स बना के ये छोटे छोटे जो भी हमारे कहीं भी अपने इंडिया में हो या फॉरेन में कहीं पे भी, सबको एक साथ मर्ज करके जो ग्लोबल नेटवर्क बनाया गया वो आपका कहलाया इंटरनेट। और क्या लिखा है? इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है। बिल्कुल, नेटवर्कों का नेटवर्क है, कई नेटवर्कों को मिला के एक नेटवर्क बन गया। यह संसार का सबसे बड़ा नेटवर्क है। बिल्कुल, सबसे बड़ा नेटवर्क है जो दुनिया भर में फैले व्यक्तिगत, सार्वजनिक, शैक्षिक, व्यापारिक तथा सरकारी नेटवर्कों के आपस में जुड़ने से बनता है। अब जो भी नेटवर्क इससे जुड़ रहे हैं इंटरनेट से, वो या तो व्यक्तिगत होंगे या सार्वजनिक होंगे या शैक्षिक होंगे या व्यापारिक होंगे, कुछ तो होंगे ही। तो उन सबको मिलके ये बना इंटरनेट। तो क्या बना? इंटरनेट का संक्षिप्त सार क्या है, संक्षिप्त अक्षर क्या है? तो इंटरनेशनल नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। ये छोटे छोटे नेटवर्कों से मिलके एक ग्लोबल नेटवर्क बनाता है और इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क कहते हैं। जो नेटवर्क बनाता है उसमें किसी भी टाइप के नेटवर्क हो सकते हैं, जैसे कि वो अपने पर्सनल हो सकते हैं, वो सार्वजनिक हो सकते हैं, वो शैक्षिक हो सकते हैं या व्यापारिक हो सकते हैं, इस टाइप के हो सकते हैं। अब क्या कहता है? इंटरनेट को हम आधुनिक युग के संदेश वाहक की संज्ञा दे सकते हैं। मतलब कि आज के टाइम पे इंटरनेट क्या है? इंटरनेट संदेश वाहक कह लीजिए आप, मतलब कि संदेश को भेजने वाला। संदेश को भेजने वाला, आप व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं। तो किस कौन ले जा रहा है आपका व्हाट्सएप मैसेज? वो ले जा रहा है इंटरनेट। तो उसको आप क्या कह सकते हैं? उसको आप संदेश वाहक कह सकते हैं। ठीक है, मैसेंजर कह सकते हैं। इस तकनीक का प्रयोग कर हम किसी भी सूचना को, आप टेक्स्ट की सूचना हो, ग्राफ हो, इमेज हो, ऑडियो हो या वीडियो हो, कुछ भी आप भेज सकते हैं। वो पलक झपकते ही दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाता है। ये सब किसके हेल्प से होता है? तो इंटरनेट के हेल्प से होता है। ये तो हो गया इंटरनेट की कुछ डेफिनेशन और इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट के बढ़ते उपयोगों के कारण ही आधुनिक युग को संचार क्रांति का युग भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो युग चल रहा है, इंटरनेट ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इसलिए इसको संचार क्रांति का युग भी कहा जा रहा है। अब क्या है? इंटरनेट का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट। अब ये बता रहा है कि जब इंटरनेट किसी टाइम पे आया तो कैसे कैसे वो आज इतना पॉपुलर हो गया कि आज के युग को हम संचार क्रांति का युग कहने लगे। तो उसके बारे में, ये किसी भी चीज़ का अगर कोई भी चीज़ होती है तो उसका एक डेवलपमेंट का एक तरीका होता है। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वो कैसे डेवलप किया, इसके बारे में इस दूसरे पॉइंट में लिखा है कि इंटरनेट कैसे डेवलप किया।
प्रोफेसर जेसी लिक्वाइडर ने सर्वप्रथम इंटरनेट की स्थापना का विचार 1962 में दिया था। अब जेसी लिक्वाइडर कौन थे? ये इंटरनेट की स्थापना का विचार 1962 में दिए थे, इसी कारण इन्हें इंटरनेट का जनक भी कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये जीएस का बन गया, अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको ये नाम याद रखना है, जेसी लिक्विडर, जेसी लिक्वाइड लिक्लाइडर या जेसी लिक्लाइडर ही कहेंगे इसको, तो जेसी लिक्लाइडर, ठीक है, इंटरनेट का जनक कहा जाएगा इनको। सिर्फ जेसी भी याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा, इंटरनेट का जनक जेसी लिक्लाइडर। इंटरनेट का प्रारंभ 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा अर्पानेट के जो अर्पानेट थी वो अमेरिकी का एक रक्षा विभाग था, वहां पे इसका पहली बार विकास किया गया। अर्पानेट का फुल फॉर्म आपको पूछने को मिल जाएगा कहीं पे, तो आप याद रखिएगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट। अर्पानेट को दुनिया का पहला नेटवर्क कहा जाता है। अब क्या है, इंटरनेट कई नेटवर्कों से मिलकर बना होता है, तो पहला नेटवर्क दुनिया का जो बना वो क्या था, अर्पानेट था। तो एक तरीके से छोटा इंटरनेट की स्टार्ट हो गए, छोटा इंटरनेट आपका स्टार्ट हो गया कब, 1969 में, कहाँ पे, अमेरिका में, अमेरिका का रक्षा विभाग जिसको अर्पानेट कहते हैं, ठीक है। 1989 में इंटरनेट को आम जनता के लिए खोल दिया। अर्पानेट का प्रयोग रक्षा विभाग में अनुसंधान और विकास के कार्य में किया जाता था। अब जो अर्पानेट था वो एक एरिया में सीमित था, वो आपके अमेरिकी रक्षा विभाग में बस यूज होता था, लेकिन फिर 1989 में इंटरनेट को आम जनता के लिए खोल दिया गया। फिर इसके बाद आता है 1989 में ही, ये नाम आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है कि पूछा जाता है, तो 1989 में ही टिम बर्नर्स ली ने हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी कि HTML का विकास किया, जिसका फुल फॉर्म HTML का फुल फॉर्म हो गया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका विकास कब हुआ, 1989 में। अब यहाँ से शुरू होता है आपका इंटरनेट का डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ। तो ठीक है, 1989 में टिम बर्नर्स ली आए, फिर वो जब इंटरनेट आया तो फिर इंटरनेट पे चलने वाली लैंग्वेज को भी डेवलप किया गया, तो वो आपकी HTML हो गई। इसी HTML की हेल्प से हम आज जितनी वेबसाइट इंटरनेट पे दिखती हैं वो इसी HTML की हेल्प से बनाई जाती हैं। फिर वर्ल्ड वाइड वेब का प्रस्ताव टिम बर्नर्स ली, जो ये टिम बर्नर्स ली थे जब HTML लेके आए, तो फिर उन्होंने क्या किया कि WWW का भी प्रस्ताव टिम बर्नर्स ली द्वारा 1989 में दिया गया। इसी कारण इंग्लैंड के वैज्ञानिक टिम बर्नर्स ली को वर्ल्ड वाइड वेब का जनक माना जाता है। अब WWW का जनक कौन हो गया, तो आपके टिम बर्नर्स ली हो गए। HTML का विकास किसने किया, टिम बर्नर्स ली। तो इसलिए मैंने कहा ये नाम आप याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी कि HTTP तथा TCP/IP के द्विस्तरीय नियमों का परिपालन किया जाता है। अब ये क्या है, ये प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल क्या था, प्रोटोकॉल अभी ऊपर बताया था कि इंटरनेट पे जब दो तीन चार नेटवर्क आपस में जुड़े हैं तो किसी न किसी रूल से, किसी न किसी प्रोटोकॉल से आपस में कम्युनिकेशन करते होंगे। वो कौन से प्रोटोकॉल है, तो वो HTTP प्रोटोकॉल हो गया, TCP/IP प्रोटोकॉल हो गया, इसके अलावा और भी छोटे छोटे प्रोटोकॉल इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे SMTP हो गया, FTP हो गया, तो वो हम लोग बाद देख लेंगे। ये बस आप याद रखिए कि किसी ये दो प्रोटोकॉल हैं, ये दोनों प्रोटोकॉल की हेल्प से आपका इंटरनेट पे जो भी आप टेक्स्ट भेज रहे हैं, चैट कर रहे हैं या कुछ भी आप इंटरनेट पे कम्युनिकेट कर रहे हैं एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, तो इन प्रोटोकॉल्स का यूज़ होता है। बाकी क्या आपने पढ़ा, WWW के आविष्कार कौन करते थे, तो टिम बर्नर्स ली। उन्होंने और क्या बनाया था, HTML बनाया था। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्लियर, अगर यहां तक क्लियर है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब का पहला आम प्रयोग 6 अगस्त 1991 को किया गया था, ठीक है। एक ये आपका GK का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आते हैं यहाँ पे वापस, तो मोजाइक वर्ल्ड वाइड वेब पर प्रयुक्त पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर था। अगर आपसे पूछ लेता है कोई कि वेब ब्राउजर, ब्राउजर क्या होते हैं, ब्राउजर जिस पे हम इंटरनेट चलाते हैं, जैसे कि क्रोम हम लोग जनरली देख रहे हैं, क्रोम हुआ, मोजिला हुआ, तो इसी तरीके से पूछ रहा है कि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा था जिसका विकास एंडरसन, मार्क एंडरसन ने किया था 1993 में, मोजाइक। ये आपको याद रखना है, मोजाइक पहला ब्राउजर था, ठीक है। 1993 में सर्न ने वर्ल्ड वाइड वेब को निःशुल्क उपलब्ध कराया, जो आज हम WWW ये निःशुल्क उपलब्ध कराने का काम किसका है, तो सर्न का है 1993 में। 1994 में
ई वर्ल्ड वाइड वेब के लिए विभिन्न मानकों तथा प्रोटोकॉल का विकास करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब संघ W3C की स्थापना। इस लाइन में बस इतना याद रखिए, W3C 1994। 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड, ये VSNL है, BSNL मत समझ लीजिएगा, VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ किया गया। अर्थात इंटरनेट भारत में कब आया, तो 15 अगस्त 1995 को आया। ये हो गया आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। 15 अगस्त 1995 को आपका VSNL द्वारा भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप जानते हैं, तो ये जेसिली कोलाइडर हम लोगों ने पढ़ा था, ये कौन थे, ये आपके, इनको इंटरनेट का जनक कहा जाता है, जिन्होंने अर्पानेट के गठन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इंग्लैंड के वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली को वर्ल्ड वाइड वेब का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ WWW। इन्होंने 1989 में, ये हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया, उसी के बारे में ही बता रहा है। अब बता रहा है कि इंटरनेट कैसे कार्य करता है, इंटरनेट अगर हम यूज कर रहे हैं तो कैसे कार्य करता है। बेसिक यही है कि वो आपस में नेटवर्क को से कम्युनिकेशन करने के लिए प्रोटोकॉल्स का यूज करता है, उन्हीं प्रोटोकॉल के थ्रू कम्युनिकेशन करता है। बाकी इसमें देख लेते हैं क्या लिखा है, इंटरनेट कैसे कार्य करता है, हाउ इंटरनेट वर्क्स। दुनिया भर के अनेक छोटे बड़े कंप्यूटर नेटवर्कों को विभिन्न संचार माध्यमों से आपस में जुड़ने से इंटरनेट का निर्माण होता है। प्रत्येक क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है। इंटरनेट से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर एक सर्वर से जुड़ा होता है। संसार के सभी सर्वर विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। सर्वर अपने से जुड़े उपयोग क्लाइंट को मांगी गई सूचना या डेटा उपलब्ध कराता है। यदि मांगी गई सूचना उस सर्वर के पास उपलब्ध नहीं है, तो वह उस सर्वर की पहचान करता है जहां यह सूचना उपलब्ध है, तथा उस सर्वर से सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध करता है। कुछ खास नहीं लिखा, लिखा यह है कि अब मैं आपको इसको चित्र से बना के समझा देता हूँ, फिगर से। ये हो गया एक सिस्टम हो गया, ठीक है, एक सिस्टम ये हो गया, दो सिस्टम हो गए, मान लेते हैं कि और भी ऐसी तरह के कई सिस्टम होंगे। अब जब कम्युनिकेशन करना होगा, ये अब इन सिस्टम को आप या तो सिस्टम समझ लीजिए या नेटवर्क समझ लीजिए। तो अब कम्युनिकेशन करना होगा तो किसी प्रोटोकॉल्स के थ्रू कम्युनिकेशन करेंगे, वो प्रोटोकॉल्स आपका HTTP हो सकता है या TCP/IP हो सकता है, ठीक है। तो अब क्या है, या और भी प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं। अब अगर आप ब्राउजर पे गए, जैसा कि पहला ब्राउजर कौन सा था, मोजाइक था, तो आप मान लीजिए क्रोम पे गए और आपने डाला http://facebook.com, तो अब फेसबुक आपके सिस्टम पे तो है नहीं, तो आपको फेसबुक का डेटा कहाँ से मिला, वो किसी दूसरे सिस्टम पे है, और उस सिस्टम को हम सर्वर कहते हैं, ठीक है। और जिस सिस्टम पे आप बैठे हैं, यूजर बैठा है, एंड यूजर बैठा है, वो हो गया क्लाइंट। तो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की कि मुझे facebook.com खोलना है, तो वो सर्वर के पास गया। अब वो कई बीच में कई नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है, तो मान लीजिए वो इस सर्वर के पास गया। अब ये एक्चुअली में facebook.com का सर्वर था ही नहीं, तो इसने भी रिक्वेस्ट आगे बढ़ा दी, ये भी एक क्लाइंट हो गया, और इस ये जिस नेटवर्क से जुड़ा था उसको एक रिक्वेस्ट इसने भी आगे बढ़ा दी। तो अब यहाँ पे मान लीजिए वो मुझे वो पॉइंट मिल गया, वो सिस्टम मिल गया जहाँ पे फेसबुक की सारी इन्फॉर्मेशन रखी हुई है, डेटा, उसका डेटाबेस या सब कुछ, कोड, सोर्स कोड जो भी। तो अब यहाँ से ये वापस जो रिक्वेस्ट भेजी गई थी उसका रिस्पॉन्स आया और आपको क्लाइंट को मिल गया। तो इंटरनेट ऐसे ही कार्य करता है, इसमें यही बताया गया कि इंटरनेट क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी पे काम करता है, ठीक है। अब नीचे वाली लाइन में क्या लिखा है कि इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों के बीच डेटा स्थानांतरण के लिए यह आवश्यक है कि सभी नेटवर्क एक समान नियम प्रोटोकॉल का उपयोग करें। ओपन आर्किटेक्चर नेटवर्किंग द्वारा TCP/IP के द्विस्तरीय नियमों के परिपालन द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान सुविधाजनक बनाया गया। इसमें सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए पैकेट स्विचिंग का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सूचनाओं का बंडल पैकेट बनाकर एक दूसरे को सेंड की और रिसीव किया जाता है। अब जब हमसे अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि इंटरनेट किस स्विच टेक्नोलॉजी पे काम करता है, तो आपको ये याद रखना है कि पैकेट होता क्या है, कि जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी वो पैकेट के रूप में सेंड की जाएगी, और वही रिक्वेस्ट की जाएगी पैकेट के रूप में, और आपको रिसीव होगी पैकेट के रूप में। तो इंटरनेट पैकेट स्विचिंग पे काम करता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया इंटरनेट क्या है, इंटरनेट काम कैसे करता है, और कुछ एक लाइन के क्वेश्चन, ये आपको क्लियर हो गए तो अब आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं किया है अभी तक तो लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट आता है
स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता है। इस कारण एक ही संचार माध्यम का उपयोग विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा किया जा सकता है। इसमें दुनिया भर के कंप्यूटर एक दूसरे से सीधे जुड़े बिना ही सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। किसी कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए हमें इंटरनेट सेवा, अब अगर दो सिस्टम है तो वो आपस में किसी प्रोटोकॉल से तो जुड़ेंगे, लेकिन वो हमें किसके थ्रू जुड़ेंगे, तो वो एक इंटरनेट सेवा हमें लेनी होती है, जिसको कि हम ISP कहते हैं। जैसे कि हम लोग एयरटेल ले लेते हैं, BSNL ले लेते हैं, तो इस तरीके का एक ISP प्रोवाइडर हमको चाहिए होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसके थ्रू हम इंटरनेट लेते हैं और वही इंटरनेट एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से जोड़ देता है। अगर आपसे कोई पूछ ले इंटरनेट का मालिक कौन है, तो इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है। इंटरनेट कुछ सोसाइटीज़ द्वारा चलाई जाती हैं, जैसे ISOC सोसाइटी, IAB सोसाइटी, ICANN सोसाइटी, डोमेन नेम रजिस्ट्रार, ये सब सोसाइटीज़ मिलके इंटरनेट को मैनेज करती हैं, तो इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है। ये है क्वेश्चन आपका, इसका आंसर ये हो गया। W3C के बारे में देख लेते हैं, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बस इतना याद रखें इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है। W3C क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्स्टोरियम है ये। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो वर्ल्ड वाइड वेब के जनक टिम बर्नर्स-ली के नेतृत्व में काम करती है। इसका गठन 1994 में किया गया था। यह संस्था वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW के प्रयोग के लिए मानकों का निर्धारण करती है। जो आपका WWW यूज़ किया था उसके लिए कुछ एक रूल्स बने हैं। ऐसा नहीं है कि रूल्स कोई भी कुछ भी यूज़ करे, एक रूल्स रहेगा तभी सब जगह प्रॉपर वर्क होगा, उसी तरीके से काम होगा, ठीक है। अब अगर आपको पता है कि आपको इसी रोड से जाना है, तो दूसरे वाले बंदे को भी पता है कि उसी रोड पे वो जाएंगे, तो वो आपको आपके पास पहुंच सकता है, पैकेट भेज सकता है, कुछ भी, इस तरीके से आप समझ लीजिए। इसीलिए एक रूल्स बनाया जाता है हर चीज़ का, ठीक। तो ये संस्था क्या करती है? WWW के रूल्स को मैनेज करती है। अब पूछ रहा है कि कनेक्टिंग टू इंटरनेट, बता रहा है कनेक्टिंग टू इंटरनेट, किसी व्यक्ति द्वारा इंटरनेट सेवा से जुड़ने के लिए निम्नलिखित सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। एक तो आपको चाहिए PC पर्सनल कंप्यूटर, एक आपको चाहिए मॉडेम, जिसको कि हम NIC कहते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, या मॉडेम जिसके थ्रू इंटरनेट आपके घर पहुंचेगा। संचार माध्यम चाहिए आपको, एक कम्युनिकेशन मीडियम चाहिए, टेलीफोन लाइन, विशेषकृत लाइन, या प्रकाशीय तंतु, या वायरलेस तकनीक, कोई भी एक चीज चाहिए जिसके थ्रू आपका डेटा आपके सिस्टम तक पहुंचे। एक आपको वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर चाहिए, क्रोम, मोजिला, कुछ भी, जिस पे हम कुछ भी WWW या HTTP हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल या TCP/IP का यूज़ कर सके। और एक आपको चाहिए ISP, एयरटेल, ब्रॉड, कोई भी BSNL, कोई भी ब्रॉडबैंड एक आपको चाहिए। इतनी चीज़ जब आपके पास हो जाएगी तो आप इंटरनेट से जुड़ जाएंगे, यही इसमें बता रहा है। अब बता रहा है ISP क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी ISP वे संस्थाएं हैं जो व्यक्तियों और संस्थानों को इंटरनेट से जुड़ने का माध्यम और उससे संबंधित सेवाएं प्रदान करते हैं। इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP का कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर कहलाता है, जबकि उपयोगकर्ता का कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर कहलाता है। इंटरनेट उपयोगकर्ता द्वारा ISP को कुछ सेवा शुल्क भी प्रदान करना पड़ता है। इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP उपयोगकर्ता विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्कों से जुड़ने के लिए कई संचार माध्यमों का उपयोग करता है, ठीक। ISP क्या है? आपको इंटरनेट देता है। अब इंटरनेट पर प्रयुक्त प्रोटोकॉल्स के बारे में बता रहा है। तो इंटरनेट पर प्रयुक्त जो प्रोटोकॉल्स हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो बस यहीं तक, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है तो आपको थोड़ा सा पूरा वीडियो नहीं देख पाते हैं, तो इसलिए बस यहाँ तक देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे इंटरनेट पर प्रयुक्त प्रोटोकॉल कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं, TCP/IP और भी अलग जो प्रोटोकॉल्स होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे, इस बुक में जो दिया होगा। तो उम्मीद है आप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। वॉइस मैंने अच्छी करने की कोशिश की है, अभी भी कोई अगर वॉइस में प्रॉब्लम आ रही होगी तो कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं कुछ सेटिंग भी इसकी देख लूँगा कैसे कैसे होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग AKS ऑनलाइन स्टडी।